विचारों और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। तो आज हम इनके प्रैक्टिकल जीवन से सीखेंगे कि कैसे हम खुद शांति हाउस बनकर के शांति की किरणें विश्व में फैला सकते हैं। कहते भी हैं कि विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे व्यक्तित्व को महका देते हैं। तो ऐसा इनका व्यक्तित्व है और ऐसे इनके व्यवहार हैं। तो फिर से हम हमारे मीठे भाई का बहुत बहुत इस सेशन में स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति सभी भाई बहनों को। आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने चिंतन किया और आप सभी ने भी दिन में चिंतन किया होगा, कर्म बंधन मुक्त कैसे बने, इस पर हमारी वार्तालाप चर्चा अनुभूति चल रही। तो कल हमने एक पॉइंट इसमें देखा कि सबसे पहले अंतर्मुखता की आवश्यकता है। इस दुनिया से अंतर्मुखी होंगे तभी हम तैयारी कर सकते हैं। वैसे भी कभी किसी को कोई स्थान छोड़कर जाना होता है इस दुनिया में भी, तो जब वो होल्ड कर रहा होता है अपना घर सामान, तो उस वक्त बाहर की दुनिया से उपराम हो जाते हैं, हिसाब किताब चुकाने में लग जाते हैं। तो हम जिस विषय की अब चर्चा कर रहे हैं, हम इसे बार बार आपको याद करा दें, हम आत्मा बनकर जिन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, भगवान मिल गया है, जिनकी 63 जन्मों की पुकार सुनकर भगवान आ गया है और भगवान ने अब वापिस चलने का मार्ग बता दिया है, हम उस तैयारी की बात कर रहे हैं। आत्मा के फाइनल वापिस परम धाम जाने की तैयारी की बात कर रहे हैं, जो इस ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना, ये बात अलग है कि चलते चलते तैयारी करते करते हमारा जो अंत का ये जीवन है, इसे भी हम जितना सुंदर सहज आनंदमयी बना सकें वो भी हम करेंगे। लेकिन इस दुनिया के आनंदों में खो करके हम अपनी यात्रा को धीमा नहीं करेंगे। तो आप सभी ने भी चिंतन आरंभ किया होगा, क्योंकि आप सभी ने ये स्वीकार किया है कि अब हमें कर्म बंधन मुक्त होना है। तो कल एक बात कही थी कि कहीं मैं जेल बर्ड तो नहीं, यानी क्या मैं यहीं पर इसी दुनिया में केवल थोड़ा बहुत मिल जाए उसी कंडीशन पर राजी तो नहीं हो रही? तो क्या लगा आप सभी को, कहीं जेल बर्ड तो नहीं? थोड़ा और सूक्ष्मता आज बताएंगे, क्या लगता है, जेल बर्ड यस और नो? आज बात हो रही थी किसी भाई से, तो एक और प्रश्न हमने उनसे पूछा कि पिछले एक सप्ताह में, अब ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं,
पिछले सप्ताह में या पिछले महीने में अब घर जाना है, अब इसका उत्तर सच्चाई से देना है सभी को। अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। इसकी बहुत गहरी लगन, बहुत गहरी लगन घर जाने की। जीवन में अभी बहुत पाना है, अच्छा बनाना है, ये अलग बात हो गई। योग अच्छा करना है, अमृत वेला ठीक करना है, ये भी अलग बात होगी। लेकिन अब घर जाना की बहुत गहरी लगन, क्या पिछले एक महीने में लगी हुई है, इसका उत्तर आप कैसे देंगे? क्योंकि दोनों क्वेश्चन के उत्तर बीच में इंटरमिक्स हो जाएंगे। टू लिखेंगे और फिर लिखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये टू लिख करके और फिर लिखेंगे यस और नो, क्या घर वापस जाने की बहुत गहरी लगन दिन रात लगी हुई है। टू लिख करके आंसर लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। बहुत गहरी लगन, दोबारा से सुनना, अपनी अपनी सच्चाई के आधार पर सभी जवाब दे रहे हैं। अपनी सच्चाई को भी और अच्छा करते जाना है, अपनी चेकिंग वाली मशीनरी को भी अच्छा करते जाना है। दोनों तरह के उत्तर आ रहे हैं, यस कहने वाले भी हैं, नो कहने वाले भी हैं। तो जो नो कह रहे, सबसे पहले तो उनको सच्चाई की बधाई कि उन्होंने बिल्कुल सच्चाई से बोला कि हमें लगन नहीं लगी हुई पिछले महीने में, पिछले हफ्ते में। भले ही क्लासेस सुन रहे हैं, भले ही योग बढ़ा रहे हैं, लेकिन योग बढ़ाना, क्लासेस करना, इनके भी कई मकसद हो सकते हैं। दुनिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्सेज चल ही रहे हैं, तो ये भी उसी तरह का एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स हो जाता है। तो जो नो लिख रहे हैं अपनी सच्चाई से, तो ये हैं, ये हमारा ही, ये सभी के अंदर होता है, कोई आपको नहीं बोल रहे हम। ये है जेल बर्ड की क्वालिटी कि भगवान इतने वर्ष से हमें कह रहे हैं, बुला रहे हैं, कितने प्यार से बुला रहे हैं। अरे भाई, आपका बेटा कहीं फॉरेन में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, आपका जवाई बेटी दूसरे शहर में रहती हैं, 5-7 बार बुलाते हैं तो हम जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम नहीं बनता तो ये तो बार बार बात करते हैं कि कई दिन से बुला रहा है। लेकिन मैं बड़ा विचार करता हूं इस बात पर, मैं आत्मा विचार करती हूं कि भगवान का प्यार कितना मायने रख रहा है हमारे जीवन में। जो हर मुरली में आके कहता है, बच्चे अब तैयार हो जाओ, मैं वापिस ले जाने आया हूं, बच्चे
आ जाओ बाप, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर गीत तो बना दिए हमने, बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। लेकिन गीत बना कर के भी, सुन कर के भी, फिर भी वो लगन, वापस जाने की लगन जो ब्रह्मा बाबा को लगी थी, जो जिस लगन से मम्मा ने संपूर्णता पाई, तो वो बाबा की बात हमें क्यों टच क्यों नहीं होती है? ये है हम जो परसों ट्यूनिंग की बात कर रहे थे। एक छोटी सी कड़वी बात कोई व्यक्ति, इंसान, कड़वी या फिर मीठी प्यार की बोल देता है, वो ऐसी हमारे दिल पर प्रिंट हो जाती है, ऐसी प्रिंट हो जाती है कि 5 साल बाद भी अगर उस व्यक्ति की बात चल जाए तो 1 सेकंड में वो नेगेटिव बात हुई है तो नेगेटिव वाली फीलिंग, और पॉजिटिव हुई है तो पॉजिटिव वाली फीलिंग हमारे अंदर से रिकॉर्डिंग चल पड़ती है 1 सेकंड में। कितना बार बार बैठे बैठे याद आती है किसी की कही हुई हमारे प्रति कड़वी बातें। ये ठीक लिखा है कुसुम लता जी ने कि जब गीत चलता है तो एकदम एक लहर सी उठती है, चाहे प्रेम का गीत चल जाए, तुमको निहारने को जी करता है तो ऐसा प्यार से मुस्कुरा के बाबा की फोटो की ओर देखेंगे। फिर दिन में क्या होता, फिर गीत चलता है, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, ऐसे झूमते हैं जैसे हल्के हो गए हैं, बस गीत बंद, झूमना बंद। तो बाबा इतने प्यार से बुला रहा है, और कितनी वाणियां चली हैं कि बच्चे एवर रेडी हो जाओ, वापस जाना तो चलो बाबा ने जब बुलाना है, पर अपना कार्य पूरा करो, एवर रेडी हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। दादी जानकी कितने समय से तैयार बैठी थी और बोलती थी कभी भी ले जाए बाबा, ऐसी तैयारी थी उनकी। लेकिन बाबा ने रोके रखा, उस आत्मा से कितनी सेवा कराई। तो हमसे सेवा भले बाबा कितनी भी करा ले, पर हम अपनी अवस्था के नजदीक तो पहुंच जाएं। तो इसलिए ये जेल बर्ड की क्वालिटी होती है। अब जिन्होंने यस लिखा वो भी थोड़ा सोचना कि लगन की इंटेंसिटी, कितनी लगन से वापस जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पूरी लगन से, बस दिन रात जुटे पड़े हैं। अभी चलो 1 महीने 2 महीने से तो अमृत वेला हो रहा है, तपोवन से कनेक्ट हो रहे हैं, बात बदली है। लेकिन उसके पहले कोई इसमें नंबर 3 लिख करके यस और नो लिखेंगे, उससे पहले जिसको दिन रात शब्द सुनना, जिसको दिन रात फरिश्ता बनने की तड़प, लगन से भी आगे का शब्द दे रहे अभी आपको, जिसको दिन रात फरिश्ता बनने की तड़प लगी हुई थी पिछले ये 1-1.5 महीना छोड़ के, अभी भी लग गई है तो अच्छा है, तो वो यस लिखे। तड़प थी जिसको, बस तड़प तड़प दिन रात,
जो बार बार कहते नहीं वो एवर रेडी नहीं है, समझ की बहुत अंतर है। चलिए, ये प्रश्न थोड़ा सा चिट चैट हो जाती है, क्योंकि चिंतन और चेकिंग तो आपको अपनी खुद करनी है। हम सभी एक दूसरे के साथी भी एक लिमिट तक ही बन सकते हैं, उसके बाद सभी को अकेले ही जाना है। आखिरी यात्रा, आखिरी क्षण सभी को अकेले ही पार करने हैं फरिश्ता बनने के, क्योंकि अपने कर्म बंधन जो सूक्ष्म हैं वो कोई दूसरा नहीं काट सकता। ये तो थोड़ी हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं समझने में, समझाने में। बहुत अच्छा उत्तर जो भी दे रहे हैं आप अपने हिसाब से। अभी इन प्रश्नों से थोड़ा सा रियलाइजेशन आता है कि पुरुषार्थ अभी उस गति से नहीं चल रहा जिस गति से चलना चाहिए, पर पिछले एक डेढ़ महीने में बढ़ा है। बहुत अच्छा हुआ है लॉकडाउन के कारण कि 2 बजे का योग शुरू हो गया, वो भी अच्छा क्वालिटी का हो रहा। एक गुण जो कल हमने बताया, थोड़ा सा और उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी गुण है। इसके बिना सारी जमा की हुई शक्तियां बह जाती हैं, सब बह जाती हैं। अगर हम अंतर्मुखी नहीं हैं, अब हमारा मन बाहर से अंदर की ओर अगर नहीं मुड़ गया है तो हमारी सारी शक्तियां बह जाती हैं। भले ही हम कितना भी योग कर रहे हैं, जीवन जीने लायक शक्तियां तो बच जाती हैं, और हल्के हल्के खुशी पूर्वक जीवन भी जी लेते हैं। ऐसा लगता है ठीक चल रहा है, पर जैसे ही एकांत में खुद के पास बैठते हैं, अंदर से जब प्रश्न पूछते हैं, तब दिखाई देता है कि वो संतुष्टता, वो लगन नहीं है। इसलिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता का अर्थ आपको समझाया भी कि हमारे संकल्प दुनिया की तरफ भागे नहीं। संकल्पों का जो कनेक्शन है वो हमारी कंट्रोल से बाहर होकर बार बार बाहर की ओर ना भागे, बल्कि भीतर की ओर जाए, अर्थात आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन। जो कल 11 बातें लिखवाई, इन सभी विषयों पर चिंतन चले कि अब वापिस कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, क्या क्या करना पड़ेगा वापिस, उसकी प्लानिंग मन में चलनी चाहिए। वापिस जाने के लिए अब फिर ये चेकिंग चलेगी कि बाहर किस किस से हिसाब बाकी है। वो हिसाब देखने के लिए बाहर जाएंगे और फिर आ जाएंगे, फिर अपनी जमा पूंजी से उनका हिसाब क्लियर करने का सोचेंगे। तो इसलिए अब अंतर्मुखी होना है, ये समझ लीजिए मौन में रहना है ज्यादा से ज्यादा। जहां कईयों की ड्यूटी है, फैमिलीज हैं, हम एक बात पूछा करते हैं, मुख का मौन पहला होता है। जो जब हम किसी से नाराज होते हैं फैमिलीज में, तो कैसे ताला लगा लेते हैं मुंह पर। छोटी सी बात पर किसी से नाराज हो गए, एकदम ताला फिट हो जाता है। दूसरे ऐसे हिलाते भी हैं, उसके बाद भी बोलते नहीं हम, परंतु वो मौन नहीं है, वो तो नाराजगी है। परंतु हमारे अंदर
ताकत तो है मुख को बंद करने की, लेकिन वो नाराजगी में बंद करते हैं, वो इंसान से कोई इच्छा करके बंद करते हैं, इच्छा पूर्ति ना होने के कारण बंद करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान के कहने पर और अपने अंतिम क्षणों को सुहाना बनाने के लिए अतींद्रिय सुख, बाहर के सुख बहुत पाए हैं, अतींद्रिय सुख की अनुभूति के लक्ष्य से, यानी इतनी बड़ी प्राप्ति, वो छोटी सी प्राप्ति के लिए नाराज हो जाते हैं हम, लेकिन इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए अब मुख बंद कर लेना है, अंतर्मुखी हो जाना है, फिर मुख के बाद मन बंद कर लेना है, बाहर की ओर भागना, बंद माना जीरो नहीं, शून्य नहीं, बाहर की तरफ भागना बंद हो जाए। आपके चारों तरफ लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसको क्या करना चाहिए, इन सब के लिए एक शब्द बाबा ने दिया, साक्षी होकर सभी का पाठ बजाओ। देखो, साक्षी होकर सबका पाठ देखो, इंटरफेयर नहीं करो उसमें। जैसे आप कोई सिनेमा देख रहे होते हैं, अब साक्षी होकर हीरो का पार्ट देखते हैं, साक्षी होकर विलेन का पार्ट देखते हैं, और दोनों का पार्ट जरूरी है। विलेन भी अगर अपना पार्ट ठीक से प्ले नहीं करेगा तो भी आप कहेंगे कि इसने पार्ट ठीक प्ले नहीं किया, जबकि वो विलेन का पार्ट प्ले कर रहा है। हीरो अपना पार्ट प्ले करता है, अगर वो ठीक प्ले ना करे तो भी कहेंगे कि इसने भी पूरा मजा खराब कर दिया। तो इस दुनिया में कौन हीरो का पार्ट प्ले कर रहा, कौन विलेन का, ये हर एक की अपनी चॉइस है। इसको आप साक्षी होकर जो नज़र में पड़े, अटेंशन से वो भी नहीं देखना है, जो नज़र में पड़े चारों तरफ साक्षी होकर देखिए। पहले अपने आप को डिटैच रखिए, फिर श्रीमत लीजिए, बाबा के साथ कनेक्ट रहेंगे, श्रीमत लीजिए, फिर कहाँ कनेक्ट होना है, कितना होना है, श्रीमत के प्रमाण खुद को कनेक्ट कीजिए, नहीं तो इच्छाओं के प्रमाण कनेक्ट हो जाते। जैसे आजकल यूथ के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो देखो कैसे बिजी रहते हैं, जो आवश्यक काम है, पढ़ाई है, घर के कार्य हैं, उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इंटरनेट, फेसबुक और जो भी चला है यूट्यूब, इसके ऊपर व्यर्थ की बातों में बुद्धि खींच जाती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते चलेंगे, हमारा बाहर से आत्माओं से कनेक्शन कटता जाएगा, परंतु आपका वो थोड़ा सा कनेक्शन भी, एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें, कईयों को डर लगने लगता है कि सारे छूट जाएंगे, ऐसे तो घर वाले छूट जाएंगे, रूठ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप साधुपने में आते हैं, देवत्व की ओर बढ़ते हैं, वापिस चलने की ओर बढ़ते हैं, आपका व्यवहार भी अपने ओरिजिनल गुणों की तरफ बढ़ने लगता है, शांत होने लगता है, प्रेममयी होने लगता है। तो जो एहसास आप किसी को दो घंटे में नहीं करवा पाते थे, आप दो मिनट भी किसी से मिलेंगे और उसे ओम शांति कर लेंगे, दो मिनट हाल पूछ लिया उनका, अब इसमें आपका कुछ नहीं गया, ना आपका वक्त लगा, परंतु इतने से में ही आप उनको इतना दे देंगे, ब्लेसिंग्स दे देंगे, आपकी दृष्टि से, आपके दो शब्दों से ही जो दो घंटा साथ बैठ करके व्यर्थ की बातें करके, दोस्तियां निभा करके जो फीलिंग नहीं दे पाते,
वो आप अपने देवत्व से दे देंगे। उदाहरण दे देते हैं आपको, दादी जानकी से आप केवल एक दृष्टि लेने के लिए उनके आगे से निकलना ही तो चाहते थे, और सिर्फ निकले उनके आगे से, और उन्होंने आपको देखते हुए प्यार से दृष्टि ऐसे कर दी, आप घर आके क्या बोलते हैं, दादी हमें कितना प्यार करती, दादी ने क्या लगाया आपके ऊपर, क्या समय दिया, कुछ भी तो नहीं। लेकिन उसी एक दृष्टि में उन्होंने आपके लिए वरदान दे दिए, तो संबंध और अच्छे हो जाएंगे आपके देवत्व से। लेकिन थोड़ा सा समय, डिटैचमेंट में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना है, अंतर्मुखी होते जाना है, क्योंकि बाहर से डिस्कनेक्ट होंगे तभी फिर अंदर आगे के विषयों पर चिंतन कर पाएंगे। क्योंकि अगला जो विषय आता है वो विषय आता है अपने कर्म बंधनों को ध्यान से देखिए। कर्म बंधन मुक्त होना है, मानो आपने ऋण लिया हुआ है 2-3 बैंक से, हमने तो पता नहीं कितनी आत्माओं से ऋण लिए हुए हैं, द्वापर से लेकर दुनिया में कभी कभी हम 2-3 जगह से ऋण ले लेते हैं, कहीं छोटे ऋण कहीं बड़े ऋण। अगर 2-3-4 जगह से ऋण लिए हुए हैं तो बैठ करके देखते हैं कि भाई किसका कितना ऋण बाकी है, फिर ऋण देखने के बाद ये देखते हैं कि कमाई कितनी है मेरी, उस कमाई में ये ऋण चुकाना आरंभ करूं तो कितने साल में चुका सकता हूं। अगर ऋण ज्यादा है किसी कारण से लिया तो फिर कमाई का जरिया बढ़ाने का संकल्प आता है, बचत करने का संकल्प आता है, कमाई भी बढ़ाते हैं मेहनत करके और बचत भी बढ़ाते हैं, बचत कमाई का काम करती है। सूखी रोटी खा लेंगे, चाहे कम साधनों में गुजारा कर लेंगे, लेकिन पहले ऋण मुक्त होना है। तो इसलिए अगला स्टेप जो करना है वो हमने देखना है कि मेरे कर्म बंधन कितने हैं। इसमें भी बहुत धैर्यता और शांति की आवश्यकता है। बड़े आराम से बैठकर आपको आत्मा बनकर, सोल बनकर देखेंगे तो ही दिखाई देंगे बंधन, नहीं तो कई चीजें बॉडी बनकर, जैसे इस शरीर का नाम करण भाई है, कई चीजें जब मैं करण भाई बनकर सोचता हूं तो वो बंधन नहीं लगती, जबकि आत्मा बनकर सोचने में वही बंधन हो जाती है। क्योंकि करण भाई समझना बॉडी कॉन्शियस है, परंतु मैं करण भाई नहीं हूं, ये जिसको लोग करण भाई कह रहे हैं मेरा तो इससे भी हिसाब है, और आखिरी हिसाब तो इसके साथ भी चुकाना है, यानी शरीर के साथ। तो चलिए 2-3 मिनट के लिए बैठेंगे, सीधे होके बैठो, सब चीजों को छोड़ दीजिए, अभी चैट को भी किनारे कर दीजिए। चलिए बैठेंगे, बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। टिका लें मन बुद्धि को, स्वयं को आत्मा निश्चित कर लें, और कौन सी आत्मा हो ये भी स्मृति में ले आए। भूल जाते हैं हम सोचते हैं हम इस शरीर की आयु के हिसाब से,
स्थान के हिसाब से हम सोचने लगते हैं, लेकिन अभी अपने आप को परम धाम से 5000 वर्ष पूर्व चली हुई आत्मा हूँ। द्वापर के बाद उलझ गई थी मैं कर्म बंधनों में, देह विमान के वश मैंने बहुत से हिसाब किताब बना लिए थे। अब भगवान ने आकर मुझे ज्ञान दे दिया उन हिसाब किताब का, समझ दे दी। अब मुझे मुक्त होने का मार्ग भी बता दिया, मुझे मुक्त होना है। परंतु हे आत्मा, पहले ये तो देख ले, तेरे सिर पर हिसाब कितने बाकी? मस्तक में बैठ जाएं आत्मा बनकर और ये सोचें कि मैं इस देह में क्यों उलझी बैठी हूं। ये देह का पिंजरा छोड़कर उड़ क्यों नहीं पा रही हूं। कौन है मुझे जो इस देह में रोके हुए है? ध्यान देंगे, जैसे ही हमारे सभी से हिसाब पूरे हो जाते हैं, पहले बाहर आत्माओं से, फिर अपने शरीर रूपी प्रकृति से, जैसे ही हिसाब पूरे होते हैं, आत्मा देह छोड़ देती है। तो बड़ी सावधानी से देखेंगे कि मेरे कर्म बंधन इस संसार में कितने हैं। कहाँ कहाँ मेरे तार जुड़े हैं प्यार के, लगाव के, मोह के, कहाँ कहाँ क्रोध के, नफरत के, अहंकार के। कितनों से मेरे मोटे हिसाब हैं, कितनों से छोटे हिसाब हैं। पहले बाहर दूसरी आत्माओं से जान लें, देह का बाद में समझ लेंगे। कौन कौन मुझे खींचता है? किस किस की ओर मैं खींची चली जाती हूं? अगर व्यर्थ में संकल्प भी खींचते हैं, वो भी कर्म बंधन है, कोई ऋण है। कुछ मोटे ऋण हैं जिनकी किस्तें बड़ी हैं, कुछ छोटे ऋण हैं जिनकी किस्तें बड़ी छोटी छोटी हैं, जो विशेष नहीं लगती हैं, पर हैं तो कर्म बंधन ही। और छोटे छोटे व्यर्थ के कर्म बंधन बहुत से हैं, बड़े ऋणों से भी ज़्यादा हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है क्यों मैं आत्मा इस देह में उलझी हुई हूँ।
अब चेक करेंगे कि कर्म बंधन थोड़े हैं या बहुत हैं। कुछ आपने बनाए हैं, आपके आकर्षण हैं दूसरों में, कुछ दूसरे जबरदस्ती या संबंध के हिसाब से या किसी भी हिसाब से आपकी चलिए अभी आप लिख सकते हैं। अच्छी तरह सच्चाई से चेक करके लिखेंगे तो बहुत लाभ होगा, अभी आपको बहुत लाभ होगा। हमने पहले ही बोल दिया है ये क्लासेस बड़े धैर्य से सुनने की हैं, ये कोई भाषण नहीं है, ये अनुभूति करने की बातें हैं। तो इसलिए बहुत धैर्य चाहिए, अभी तो बहुतों को समझ में भी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, कुछ बातों का अर्थ समझ में भी नहीं आएगा। माधुरी जी ने लिखा है कर्म बंधन इतना ज्यादा है कि सब कुछ दिल से फील होना बंद हो गया है। हाँ, बहुत ठीक लिखा है, बहुत ठीक लिखा है, क्योंकि दिल में दुनिया को बसाया पड़ा है। हो जाएगा ठीक, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। दिल और दिमाग का प्यार वाली क्लासेस सुनिए, चैनल पर जाकर समझ में आएगा कि दिल में क्या क्या भरा है, क्यों भारी है दिल, क्योंकि भरा है दिल, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। देखो छोटों को भी, छोटे छोटे कर्म बंधन बहुत हैं, छोटों को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल थिंग्स मेक ग्रेट डिफरेंसेस। जितने झगड़े हुए हैं संसार के, आज भी होते हैं, छोटी बातों से ही शुरू होते हैं, और छोटा छोटा व्यर्थ बहुत ज़्यादा है, और छोटे छोटे व्यर्थ मिलकर के बहुत ज़्यादा अकाउंट बन जाता है। अभी देखिए मैक्सिमम का यही आ रहा है कि मैं बहुत हिसाब किताब है ना, एक दो लिख रहा है, कोई कम है, चलो अच्छी बात है, आपको बधाई है, आप तो फरिश्ता बनने वाले हैं और हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। आप चलिए रेखा जी आगे, हम भी आ रहे हैं। किसी किसी को ऐसा किया है पुरुषार्थ या हिसाब किताब है, कम है, और किसी के बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हुई चेकिंग, है ना। अब इसको रोज करना है, ये हर बात पर चेक करना है, इसकी बहुत सी चेकिंग है, हम बताएं आपको। चलो एक चेकिंग और बताते हैं, अब उत्तर जो देंगे वो आप, ये क्वेश्चन नंबर, चलो इसमें नंबर नहीं लिखा, अभी फोर डालेंगे, फोर डाल के इसका उत्तर देंगे कि ज्यादा समय मैं आत्मा मस्तक में टिक करके देही अभिमानी होकर, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को, दिन भर में एक दिन का हिसाब पूछ रहे हैं, कल का बता दीजिएगा, मस्तक में टिक कर जैसे हम सतयुग में अपने आप को निरंतर देवी देव आत्मा समझते हुए देह के भान से न्यारे रहकर, देह की चेतना से न्यारे रहकर, निरंतर आत्मा की स्मृति में रहकर कर्म करते थे, आज
दिन भर में ज्यादा समय देहभान में रह के कर्म करते या देवताओं की तरह मस्तक में टिक कर कर्म करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे 4 डालकर 4 डालकर फिर लिखेंगे कि देवता की तरह रहती हूं मैं या फिर देहभान में रहते ज्यादा। देहभान का मतलब नेगेटिविटी नहीं, देहभान मतलब कि खुद को नॉर्मल समझकर, भले स्वमान याद रहता होगा लेकिन आत्मा हूं, है ना, आत्मा की चेतना में। क्योंकि देखिए फाइनल बिना चेकिंग के आप किसी दुकानदार पर भी जाएंगे तो भी पूछेंगे ना, अब भाई शहर छोड़ के जा रहा हूं थोड़ा बताना हिसाब कितना है। आपको एक एक चीज का हिसाब देखना है और बहुत गहराई से देखना है। अगर आप नहीं चुकाओगे योग द्वारा फिर वो लेने आ जाएंगे आपके घर पर। वो वाला दुकानदार तो भूल सकता है, यहां तो धर्मराज एक भी नहीं भूलेगा। हाँ ये देखिए नेक्स्ट चेकिंग पर देखिए, ये चेकिंग बताती है कि जब आत्मा मस्तक में नहीं टिकी हुई है तो उसको किसने खींचा मस्तक से दूर। अब ये देखिए चेकिंग का दूसरा स्टैंडर्ड है, ये परसेंटेज नहीं पूछ रहे आपसे अभी, सिर्फ प्रश्न जो पूछा है ना, चलिए अच्छा है फिर भी कोई हर्जा नहीं। ठीक है देखिए आप उत्तर देख लीजिए, अभी मैक्सिमम उत्तर देख लीजिए। तो ये जो मस्तक से यानी खुद को निरंतर सोल समझ करके रोल प्ले करना, फिर हर संबंध को सोल रूप में देखना, आज ये अभ्यास हमें करना है। हर किसी को बेटा है तो पहले देखना है कि ये एक सोल है, इसका रोल बेटे का है। पति है सोल है, इसका रोल पति का है। फिर जो भी है ये सोल है पर रोल ऐसा है, इनसे भी मेरा हिसाब किताब है, इसलिए मेरा पार्ट इनके साथ है, मुझे वो चुकाकर इनसे मुक्त होना है। इनसे मुक्त हुए बिना आप फरिश्ता बन ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा को देखो, अपने लौकिक परिवार से भी कैसे एक एक करके, पूरी कहानी पढ़ो बाबा की, एक एक करके किस विधि से उपराम हुआ है बाबा। सभी को होना होगा, योग आपको मार्ग दिखाएगा। तो अब देखिए उत्तर चेक कीजिए, लगभग 95% देह अभिमानी आया है। अब ये दूसरे लेवल की चेकिंग है। पहली चेकिंग जब की तो हमको लगा कि हमारे कर्म बंधन कम है। अब इस चेकिंग में देखो, इस चेकिंग में कर्म बंधन कितने हैं, कुछ कार्य चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है तो आप इस उत्तर से क्या पता चला, इस उत्तर से ये पता चलता है कि आत्मा कर्म बंधनों में फंसी हुई है। शरीर के रोग का जैसे लिख रहे हैं दादी जानकी को भी, कितना शरीर में परेशानी थी लेकिन उसके बावजूद बाबा ने कहा
शरीर में इतनी परेशानी थी, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्ची तो बाप के साथ मनसा सेवा कर रही थी। जैसे जैसे सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे मुक्त होते चले जाएंगे आप। इसलिए मैं आत्मा हूं, आत्माओं के साथ पार्ट प्ले कर रही हूं। हमें इतना मुक्त हो जाना है, कर्मातीत अवस्था के नजदीक आत्मा इतनी मुक्त हो जाती है कि वो मस्तक छोड़कर फिर कहीं नहीं जाती है। इस आवाज से डिस्टर्ब मत होजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही कुछ नेटवर्क का टावर लगाने का इंतजाम कुछ कर रहा है बाबा, तो इसलिए कुछ कार्य चल रहा है। चलेंगे, अभी 5 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट देह भान से न्यारे, किसी की बातें नहीं सोचेंगे, ऐसा फील करेंगे मैं मुक्त हो गई हूं सबसे। मुक्त हो गई हूं सबसे, मुझे कोई आकर्षित नहीं कर रहा है। मैंने सबके हिसाब चुका दिए हैं। कितनी सुंदर अनुभूति है ये, सबके ऋण चुकाने के बाद आत्मा कैसी हो जाएगी। चलिए थोड़ी देर महसूस कीजिए।
आज हम कर्म बंधन मुक्त स्थिति का होमवर्क लेते हैं। कर्म बंधन मुक्त स्थिति में रहना है। कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। आज से लेकर कल की क्लास तक बिल्कुल हल्के, कहीं भी ध्यान न जाए, मन जाए तो वापस ले आना कि अब और कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, वापस घर चलना है। 108 बार लिखकर अभ्यास करें, बाबा की ओर बार बार देखें और संदेश दें, बाबा बस आ रहे हैं, बस तीव्र पुरुषार्थ में लगे हैं, थोड़ा सा इंतजार और करो, हम भी आ रहे हैं। थोड़े ऋण बाकी हैं वो चुका दें, बस हम भी आए कि आए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।